ये हम आ गए हैं ऊखी मठ, जहाँ पे बाबा केदारनाथ शीतकालीन अवस्था में जब जाते हैं ना, तो यहाँ पे विराजमान होते हैं। बाबा केदार के दर्शन उधर ऊपर बंद हो गए, यहाँ पे हैं बाबा केदार भी, टुंगनाथ भी। बड़ा प्राचीन मंदिर है, तीन केदार हैं अभी यहाँ पे, तीनों केदारों के दर्शन एक ही जगह होते हैं। देखिए बाबा, ये देखेंगे ना अभी, जैसे ऊपर बाबा केदार में देखो, ऊपर बाबा केदार के कपाट बंद हो गए, उनकी जो डोली चलती है यहाँ से चलती है, टुंगनाथ के भी बंद हो गए और मध्यमेश्वर के भी, तीनों केदार अभी यहाँ पे स्थापित रहते हैं, उनकी पूजा यहीं पे होती है। इनका मंदिर दिखा, ये देखिए केदारनाथ, टुंगनाथ और मध्यमेश्वर, वो भी अभी आपको देखिए प्राचीन है। ये देखिए मंदिर, देखिए ये मंदिर है, और ये उत्तराखंड की संस्कृति, और ये देखिए इतना प्राचीन मंदिर है, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। उत्तराखंड आए तो जब आप चोपता जाते हैं ना, रास्ते में पड़ता है उत्तराखंड में 5 केदार हैं, जिनमें से कि 3 केदार सर्दियों में यहाँ पे पूजा जाता है जिनको, इसमें बाबा केदार भी शामिल है। बाबा केदार की डोली यहीं से चलती है और यहीं पर आकर उनकी सर्दियों में पूजा करी जाती है, और गर्मियों में वापस बाबा केदार को ऊपर ले जाया जाता है। बाबा केदार यहाँ के अच्छा। इसके अंदर है, इसके अंदर फोटो अलाउड नहीं है। केदारनाथ के पुजारी जो है ना, जो कि कहा जाता है कि साउथ से होते हैं, तो उनकी यहाँ पर फोटो स्थापित है केदार के साथ, देखें। और ये जो नीचे है ना, यहाँ पे फेरे किसी के बताए थे पंडित जी ने, उनकी शादी के फेरे हुए थे, और अंदर को एक देवी के दर्शन भी कराए थे यहाँ पर, यहाँ पर देवी के दर्शन कराए थे, यहाँ छोटी सी जगह पे से अंदर झांका था। तो मैं दिखाता हूँ आपको, उनकी फोटो दिखाता हूँ, जिन जो बाबा केदार के मेन पुजारी हैं। ठीक है यहाँ से यहाँ पे ये सामने एक चांदी का जो सिंहासन दिखाई दे रहा है, ये भगवान केदारनाथ का गद्दी है। जब शीतकालीन में केदारनाथ में कपाट बंद होते हैं, भगवान जी की पालकी यहाँ पे आती है, यहाँ पे आने के बाद उनका जो विक्रय मूर्ति है वो मेन मंदिर में जाता है ऊपर। ये बगल पे रावल जी का गद्दी है, ये जगत गुरु भीमा शंकरलिंग केदार महाराज जी हैं, इनके हाथों द्वारा केदारनाथ में कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। फिर इधर से जो चांदी का सिंहासन है, ये बाबा केदार और बाबा मध्यमेश्वर का गद्दी है। आइए यहाँ पे बाबा केदार की और टुंगनाथ जी वगैरह की मूर्ति रखी है ना, वहाँ पे तो फोटो अलाउड नहीं है, बाकी मैंने वीडियो में आपको दिखाई दिया। अंदर पूजा करके आए, बहुत अच्छे तरीके से पंडित जी ने पूजा कराई, पूरी कथा सुनाई। तो ये देखिए, चलो भाई परिक्रमा में आपको पूरा, दादा भाई।
ये देखिए, पहले के लोगों में ना ताकत भी बहुत थी, करने की इच्छा शक्ति भी बहुत थी और बहुत अच्छे कलाकार भी थे। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें देखें, देखिए भगवान जी के हुए बहुत बेहतरीन।